आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी सिमरन से मिलने जा रहा हूं क्या? रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं आरजे सारांश और मैं किसी खेत में नहीं दौड़ रहा हूं। ये हमारी डीडीयू यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है जहां पर गोरखपुर महोत्सव लगने वाला है। 11 तारीख से ये शुरू होगा। क्या कुछ खास है बता रहा हूँ, पीछे देख सकते हैं आप, तैयारियां यहाँ पर अभी से शुरू हो गई हैं। तो 11 तारीख को खेल कूद प्रतियोगिता यहाँ पर दिन के टाइम पे होगी, साथ ही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी होगा। और 8 बजे बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह पाजी यहाँ पर आएंगे और परफॉर्म करेंगे। और 12 जनवरी को क्या कुछ होगा बताता हूँ। बात की जाए 12 तारीख की, तो यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है, साथ में टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन होगा और शाम को भोजपुरी नाइट रहेगी जहां पे शारदा सिन्हा जी भी अपनी परफॉर्मेंस देंगी। अब 13 तारीख को क्या कुछ होने वाला है वो बताऊंगा, पर यहां पर तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है फिलहाल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे चेयर्स आ चुकी हैं, टेंट लगने की तैयारियां हो रही है, शेड लग रहा है क्योंकि फॉग भी काफी होगा, ठंड भी काफी बढ़ जाएगी उस टाइम पे, इसीलिए ये सारी तैयारियां यहाँ पर तेज है। बात की जाए 13 जनवरी की, तो ये कुर्सियां आपका इंतजार कर रही है। शाम को 5 बजे से परफॉर्म करेंगे सुरेश वाडेकर जी भजन यहाँ पर, और 7 बजे से बॉलीवुड के रॉक स्टार यानी कि मोहित चौहान देने वाले हैं अपनी परफॉर्मेंस। तो ये कुर्सियां आपका इंतजार कर रही है। गोरखपुर महोत्सव में आए डीडीयू यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हो रहा है, जिसके ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है हम यानी कि रेडियो सिटी 91.9 एफएम। साथ ही पूरी रेडियो सिटी की टीम से आपको मिलने का मौका मिल सकता है। आरजे अरुण, आरजे प्रीति, आरजे प्रतीक और आरजे सारांश भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर महोत्सव में जरूर आइएगा, इनविटेशन है, न्योता है मेरी तरफ से आपको। और आपको तो पूरा स्केड्यूल पता पड़ गया है गोरखपुर महोत्सव का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता पड़े इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए, सुनते रहिए एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम, रग रग में गोरखपुर सिटी। कुर्सी इंतजार कर रही है आपका।